Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the chapter 18, the post office of your class 5 Cambridge Connection English Literature book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो ये जो चैप्टर है द पोस्ट ऑफिस, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की इसके राइटर हैं और ये जो चैप्टर है वो प्ले के फॉर्म में है। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले द पोस्ट ऑफिस। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अमल, अ यंग बॉय हु फॉल्स सेवरली इल एंड इज कन्फाइंड इनडोर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। तो प्ले स्टार्ट होने से पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये जो चैप्टर है वो द पोस्ट ऑफिस से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। इसमें हमें अमल के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक बहुत छोटा सा बच्चा है और वो बहुत बुरी तरह बीमार है और इसकी वजह से डॉक्टर ने उसे कहा है कि वो घर के अंदर ही रहे। बट ही इज़ क्यूरियस एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। ही स्पीक्स टू पासर्स बाई फ्रॉम द विंडोज ऑफ हिज रूम एंड इमेजिन्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है बाहर निकलने के लिए और वो चाहता है कि वो किसी तरह आज़ाद हो जाए। तो जो भी उसके कमरे के खिड़की के बाहर से गुजरता है वो उससे बातें करता है और अपने लिए एक नई दुनिया ही सोच लेता है। अमल इज़ फैसिनेटेड व्हेन ही फाइंड्स अबाउट अ न्यू पोस्ट ऑफिस दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड नियर हिज हाउस। ही इज़ होपफुल दैट ही विल रिसीव अ लेटर फ्रॉम द किंग वन डे। अमल पूरी तरह से बिल्कुल फैसिनेटेड है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जब उसे पता चलता है कि उसके घर के पास एक नया पोस्ट ऑफिस खुला है और उसे ये भी उम्मीद है कि एक दिन उस राजा जो है वो उसे लेटर भेजेंगे। कैरेक्टर्स इन द प्ले, माधव, अमल, माधव अडॉप्टेड चाइल्ड, सुधा, डॉक्टर, वॉचमैन, अ ट्रूप ऑफ बॉयज़, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। माधव है, उसके बाद अमल है जिसकी तबीयत ख़राब है, माधव का वो अडॉप्टेड चाइल्ड है यानी वो उसका अपना बेटा नहीं है, उसे गोद लिया है, सुधा, डॉक्टर, वॉचमैन और लड़कों का एक झुंड। माधव हाउस, तो प्ले में जो लोकेशन है वो कौन सी है, माधव का घर। डॉक्टर, द पेशेंट नीड्स द मोस्ट स्क्रिप्यूलस केयर। माधव, आई अंडरस्टैंड, प्लीज़ टेल मी व्हाट आई शुड डू। डॉक्टर माधव से कहते हैं कि मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। तो माधव बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है। डॉक्टर, आई हैव ऑलरेडी मेंशन इट, ऑन नो अकाउंट मस्ट बी ही बी अलाउड टू गो आउटसाइड। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी हाल में इसे बाहर नहीं निकलने देना है। माधव, पुअर चाइल्ड, इट इज़ वेरी हार्ड टू कीप हिम इनडोर्स ऑल डे। डॉक्टर, आह वेल आई मस्ट बी गोइंग नाउ। द डॉक्टर लीव्स द रूम, अमल एंटर्स। तो माधव कहता है कि ये बेचारा लड़का, इसे पूरे दिन घर में बैठाना बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं बाहर चलता हूँ। डॉक्टर चले जाते हैं और अमल की जो है वो एंट्री होती है। अमल, अंकल मे आई बी अलाउड आउट टू द कोर्ट यार्ड एट ऑल। तो अमल बोलता है कि अंकल क्या मैं बाहर वरेंडा में जाके भी बैठ सकता हूँ। माधव, नो माई डियर नो। अमल, सी देयर वेयर आंटी ग्राइंड्स लेंटिल्स, द स्क्वायरल इज सिटिंग विथ हिज टेल अप एंड विथ हिज वी हैंड ही इज पिकिंग अप द ब्रोकन ग्रेन्स ऑफ लेंटिल्स एंड क्रंचिंग देम, कांट आई रन अप देयर। तो माधव कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकते। अमल बताता है कि वहाँ देखिए, वहाँ पे आंटी बैठकर जो साग है वो पीस रही हैं और जो स्क्वायरल है वो गिलहरी अपनी टेल को ऊपर उठाए हुए और अपने छोटे छोटे हाथों से वो साग के छोटे छोटे दानों को बटोर रहा है और उन्हें और ज़्यादा क्रंच कर दे रहा है और ज़्यादा तोड़ दे रहा है। क्या मैं वहाँ नहीं जा सकता। माधव, नो माई डार्लिंग नो। अमल, विश आई वॉज ए स्क्वायरल, इट वुड बी लवली। अंकल, वाई वॉन्ट यू लेट मी गो आउटसाइड। तो माधव कहता है कि नहीं बेटा तुम वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो अमल कहता है कि काश मैं एक गिलहरी होता, कितना मज़ा आता। क्या अंकल आप मुझे बाहर निकलने नहीं देंगे। माधव, द डॉक्टर सेज इट्स बैड फॉर यू टू बी आउटसाइड, आई एम ऑफ टू वर्क बट यू वोंट गो आउट विल यू। माधव कहता है कि डॉक्टर ने ये बताया कि तुम्हारा बाहर निकलना बिल्कुल तुम्हारी सेहत के लिए बुरा है, मैं तो काम पर जा रहा हूँ लेकिन तुम बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे, क्या तुम निकलोगे। अमल, नो आई वोंट बट अंकल प्लीज़ लेट मी
बी इन दिस रूम बाई द रोड साइड। तो अमल कहता है कि नहीं मैं नहीं निकलूँगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है कि अंकल इस रूम में मुझे रहने दीजिए जहाँ से रोड पूरी तरह से दिख सकता है। माधव लीव्स द रूम, अमल इज सिटिंग बाय द विंडो इन हिज रूम। अ वॉचमैन एंटर्स, ही पासेस बाय अमल्स विंडो। माधव कमरे से निकल जाता है और अमल उस रूम में खिड़की है वहाँ पे करीब में जाकर बैठ जाता है। तो एक वॉचमैन की एंट्री होती है और वो अमल की खिड़की के पास से गुजरता है। अमल, आह देयर इज़ द वॉचमैन ऑन हिज राउंड्स। वॉचमैन आई से कम एंड हैव अ वर्ड विथ मी। अमल उसे बुलाता है कि देखो वॉचमैन अपने राउंड पे लगा हुआ है। वॉचमैन, क्या तुम यहाँ आ जाओ और मुझसे थोड़ी बातें कर लो। वॉचमैन, आंट यू अफ्रेड ऑफ द लाइक्स ऑफ मी। अमल, नो वाई शुड आई बी। तो वॉचमैन कहता है, क्या तुम्हें मेरे चेहरे से डर नहीं लग रहा। तो अमल कहता है कि नहीं मैं क्यों डरूँ। वॉचमैन, सपोज आई मार्च यू आउट स्ट्रेट टू द किंग। अमल, टू द किंग डू विल यू, बट द डॉक्टर वोंट लेट मी गो आउट। नो वन कैन एवर टेक मी अवे, आई हैव गॉट टू स्टे हेयर ऑल डे लॉन्ग। वॉचमैन कहता है कि ये समझ लो अगर मैं तुम्हें अभी के अभी राजा के पास तुरंत लेकर चले जाऊँ तो। अमल कहता है कि राजा के पास क्या तुम ले जा सकते हो, लेकिन डॉक्टर मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देगा और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, मुझे यहाँ पर पूरे दिन रहना। वॉचमैन, डॉक्टर वोंट लेट यू आउट पुअर फेलो, सो आई सी योर फेस इज पेल एंड देयर आर डार्क रिंग्स अराउंड योर आइज, योर वेंस स्टिक आउट फ्रॉम योर पुअर थिन हैंड्स। तो वॉचमैन कहता है कि हाँ डॉक्टर तुम्हें बाहर नहीं जाने देता होगा, लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा चेहरा पूरा मुरझा चुका है और तुम्हारे आँखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल हैं, तुम्हारे हाथों में से तुम्हारे नस जो है वो दिख रहे हैं। अमल, वोंट यू साउंड द गोंग वॉचमैन, आई लव टू हेयर योर गोंग, टेल मी वाई डू यू प्ले योर गोंग। अमल कहता है कि क्या तुम घंटी नहीं बजाओगे वॉचमैन, मुझे तुम्हारा घंटी सुनना बहुत पसंद है, तुम ये बताओ कि तुम ये घंटी क्यों बजाते हो। वॉचमैन, आई प्ले टू टेल पीपल एंड दैट टाइम वेट्स फॉर नन बट गोज ऑन फॉर एवर। अमल, वेयर टू विच लैंड। तो वॉचमैन कहता है कि मैं इसलिए बजाता हूँ उसे ताकि मैं लोगों को ये बता सकूँ कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता और वो हमेशा चलता रहता है। अमल पूछता है कि कहाँ वो कहाँ जाता है। वॉचमैन, नो वन नोज। अमल, से व्हाट्स गोइंग ऑन देयर इन दैट बिग हाउस ऑन द अदर साइड दैट हैज़ अ फ्लैग फ्लाइंग हाई अप एंड पीपल ऑलवेज गोइंग इन एंड आउट। तो वॉचमैन कहता है कि वो कोई नहीं जानता। तो अमल फिर पूछता है कि वहाँ पे दूसरी तरफ में एक बड़ा सा जो घर है जिसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है और सारे लोग हमेशा वहाँ से बाहर निकलते हैं कभी अंदर जाते हैं, तो बताओ उसके अंदर क्या हो रहा है। वॉचमैन, ओ देयर दैट्स आवर न्यू पोस्ट ऑफिस। अमल, पोस्ट ऑफिस हूज। वो वॉचमैन बोलता है कि ओ वहाँ पे ये तो हमारा नया पोस्ट ऑफिस है। अमल कहता है पोस्ट ऑफिस किसका। वॉचमैन, हूज बाय द किंग्स ऑफ कोर्स। अमल, डू लेटर्स कम फ्रॉम द किंग टू हिज ऑफिस हियर। वॉचमैन कहता है कि किसका, हाँ जो सारे लेटर्स आते हैं वो राजा के लिए होते हैं। तो अमल पूछता है कि जो यहाँ पे राजा का ऑफिस है क्या राजा ही ये सारे लेटर्स को भेजते हैं। वॉचमैन, ऑफ कोर्स वन फाइन डे देयर में बी अ लेटर फॉर यू इन देयर। अमल, अ लेटर फॉर मी बट आई एम ओनली अ लिटिल बॉय। तो वॉचमैन कहता है हाँ और एक ना एक दिन तुम्हारे लिए भी यहाँ पे एक चिट्ठी आएगी। अमल कहता है कि मेरे लिए चिट्ठी, मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा हूँ। वॉचमैन, द किंग सेंड्स टाइनी नोट्स टू लिटिल बॉयज। अमल, बट हु विल फेच द किंग्स लेटर टू मी वेन इट कम्स। वॉचमैन कहता है कि जो राजा है वो छोटे छोटे नोट्स भेजते हैं बच्चों के लिए। तो अमल कहता है कि राजा का जो चिट्ठी है वो मेरे तक कैसे पहुँचेगा। वॉचमैन, द किंग हैज़ मैनी पोस्टमैन, डोंट यू सी देम रन अबाउट विथ राउंड गिल्ट बैजेज ऑन देयर चेस्ट। तो वॉचमैन कहता है कि राजा के बहुत सारे पोस्टमैन हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि वो अपने कपड़े पे गोल्डन कलर के बैज लगा के घूमते हैं इधर उधर और चिट्ठी पहुंचाते हैं। तो ये है फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। सेकेंड पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।